पीलीभीत से जब से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा है तब से ही वो चुनावी मैदान से दूरी बनाए हुए थे, जिसको लेकर कई बार कई तरह के सवाल भी किए जा रहे थे कि आखिर वरुण गांधी है कहाँ। वो अपनी मां मेनका गांधी के नामांकन में भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब एक लंबे ब्रेक के बाद वरुण गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी मां मेनका गांधी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आए हैं। वरुण गांधी गुरुवार को सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां की सांसद को माता जी बोला जाता है। मैं यहां अपनी मां के लिए नहीं बल्कि पूरे सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन की अपील करता हूं। वरुण ने कहा कि जब हम 10 साल पहले यहां से चुनाव लड़ने के लिए आए तो लोगों ने कहा कि भैया जैसी रौनक अमेठी और रायबरेली में है वैसे ही हम सुल्तानपुर में भी चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आज सुल्तानपुर का नाम देश के प्रथम पंक्ति में आने वाले जिलों में लिया जाता है। पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं, कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जाके सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है, पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। माँ जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे ना दे माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने माँ के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सुल्तानपुर की माँ के लिए समर्थन जुटाया। माँ की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। माँ की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है। एक जनसभा में वरुण गांधी ने कहा जितने लोग यहाँ हैं, अगर उनको कभी कोई भी दिक्कत हो कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। मैं अपना फोन नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सुरक्षा कवच दे रहा हूँ, जिसके पास माता जी यानी मेनका गांधी का नंबर है उनके पास और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। वरुण ने कहा कि मेरा एक निवेदन है कि शाम के बाद फोन मत करिएगा। आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत खुश होकर मुझको फोन करेंगे। हम लोग नेता नहीं एक बेटे के रूप में आए हैं, अभी से नहीं जब से पैदा हुए तब से यह हमारे लिए कर्म भूमि है। हम सभी परिवार हैं, हमें इस मिट्टी से प्यार है, सब लोग फले फूले, हम यही चाहते हैं।